जिला मुख्यालय नाहन की वाल्मीकि बस्ती के कई घरों में बरसाती पानी घुसने से हुए नुकसान के बाद जागीर नगर परिषद ने ब्लॉक पड़ी जल निकासी नालियों को खोलने का कार्य युद्धस्तर पर शुरू कर दिया है। इन बरसाती नालियों के ब्लॉक होने के चलते बारिश का पानी सड़कों पर बहता है तो वहीं घरों में भी घुस रहा है। नगर परिषद के सफाई निरीक्षक सुलेमान ने बताया कि शहर में बरसात के सीजन में नालियों में कूड़ा कचरा फंसने से पानी सड़कों पर बह रहा था, जिसे देखते हुए नगर परिषद बंद नालियों को खोलने का काम कर रही है। साल बरसात में नालियों के मिट्टी या कूड़े वगैरह भरे होने के कारण लोगों के घरों तक पानी पहुंच जाता है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि नाली को साफ कर दें ताकि लोगों को उस पानी से, बरसात के पानी से बचाया जा सके। नगर परिषद नाहन द्वारा समय समय पर नाहन शहर की मुख्य सड़कों के किनारे जितनी भी नालीज होती हैं उनको खोला जाता है। अभी जैसे बरसात का सीजन शुरू हो गया तो हमारी टीम चारों तरफ नाम के मेन में मुख्य मार्गों पर जो नाली हैं उसमें सफाई का प्रॉपर काम कर रही है ताकि इसमें पानी स्टोरेज ना हो। उसकी खास मुख्य मुद्दा यही रहेगा कि हम इसको टाइम से साफ कर सके और उसमें हमारी जो गंदगी ना फैले।